गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी सो वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज के स्पेशल दिन पे आज मैं कुछ स्पेशल खाना बनाने वाले हैं हम लोग। नहीं, सिर्फ मैं, सिर्फ छाया, मैं सिर्फ खाऊंगा और हाँ। मैं आपको खाकर बताऊंगा कि उसका रिव्यू कैसा है। सो आई विल बी अ रिव्यू पर्सन, शी विल बी द कुक। मेरा छोटी झंडा लहरा है इधर जा रहा इधर सारे जहां। तो आज का स्पेशल खाना बना रही हूँ क्या, जलेबी। जो आज के दिन हर कोई खाता ही है जलेबी, तो इसलिए मैं आज जलेबी बना रही हूँ और कचौड़ी और बटाने का सब्जी, आलू बटाने का सब्जी। जो होटल में नॉर्मल जो होटल रेस्टोरेंट में जो मिलता है ना, जलेबी कचौड़ी और सब्जी, वैसा आप रेस्टोरेंट में अगर आप कभी खाए होंगे। छोटा सा रेस्टोरेंट जो कचौड़ी और तो उस टाइप के रेस्टोरेंट में आप खाए होंगे ना, तो वो कचौड़ी और आलू की सब्जी देते हैं, बटाना आलू की सब्जी, वो वाली सब्जी। हमको तो कभी तो पता नहीं कि लोग कैसे बनाते, पर मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी, देखते हैं कैसा बनता है। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करती, मैं बहुत सोचती हूँ, सोचने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत लेट हो गया है, इतने में तो लोग खाना भी खा लिए होंगे, पर मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गया ये बोले, लेट्स स्टार्ट। चिकलू जो टाइम पास कर रहा है, खेल रहा है और टीवी देख रहा है। हाय कर दो। तो एक कटोरी में इस चम्मच से मैंने 4 या 5 चम्मच मैदा ली हूँ, और इसी चम्मच से मैं 2 चम्मच दही लूंगी। अब इसमें मैं खाने वाला सोडा डालूंगी, तो यहाँ मैं सिर्फ 2 चुटके खाने वाला सोडा डालूंगी, सोडा। अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी। धीरे धीरे पानी आपको डालना है। देख सकते हैं यहाँ मेरा बैटर रेडी हो गया है, सबको ऐसा बनाना होगा। इसे मैं 10 मिनट या 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी, तब तक मैं चाशनी तैयार करती हूँ। तो चाशनी के लिए मैं यहाँ डेढ़ कटोरी शक्कर लूंगी, चीनी 1 कटोरी क्या, ये 1.5 कटोरी। इसमें 1 कटोरी में पानी डाल दूंगी, गैस को कर दूंगी मैं ऑन। चम्मच हिला दे, तब मैं इसमें फूड कलर डालूंगी। इसमें मैं 2 इलायची कूट के डालूंगी, मेरे हाथ में भी कलर लग गया है। तब तक ये होता है, तब तक मैं सब्जी बना लेती हूँ। इसमें मैं अब डालूंगी जीरा का छोक फोड़न, जो बोलना बोले वो डालूंगी, 1 तेज पत्ता। धनिया डालूं 1 दालचीनी, के बाद मैं प्याज डालूंगी, प्याज। तो यहाँ चाशनी भी मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो गया। जब भी चाशनी बनाए एक बार अपने फिंगर पे ऐसे करके देखे, अगर आपको थोड़ा चिपचिपा वाला फील होगा ऐसे, तो मतलब आपका चाशनी रेडी हो गया। मैं इसमें अदरक लहसुन कूट रखी थी वो डाल रही हूँ। इसमें 2 मैं हरी मिर्ची काट के डालूंगी, मैं टमाटर डाल दूँ कटा हुआ।
तवा आलू में मैं डाल दूंगी, थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं मेरा चाशनी हो गया, तो मैं गैस को भी बंद कर दी हूँ। तो मैं इसमें बटाना डालूंगी, बटाना को मैं सुबह ही डाल देती पानी में फूलने के लिए। स्वाद अनुसार नमक, जब ये हल्का थोड़ा भुना जाएगा तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। कुकर लगा दे। तो मैं यह कचौड़ी के लिए आटा गूंथ रही हूँ, तो चलिए कचौड़ी बनाते हैं। आटा गूंथते चुटकी बजाऊंगी और आटा गूंथा जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का कुकिंग? सब्जी कैसा दिख रहा है? ये देखिए सब्जी, अभी इसके अंदर सब्जी बना हुआ है, ये चाशनी बन चुका है और ये आटा गुंदा रहा है। थोड़ा ये आप लोगों की लगी करे मैदा मैदा हो गया, पठावे वाला में ना मैदे का ही आपको कचौड़ी या पूरी देते हैं। आप चाहे तो बिना मैदे का भी कचौड़ी बना सकते हैं। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डालना है क्योंकि सब्जी में ऑलरेडी नमक है। अब मैं इसमें अजवाइन डालूंगी, अजवाइन आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो भर भर के अजवाइन डाल दे, अगर आपका पेट खराब होता था कल लोग के एक मुट्ठी अजवाइन मुँह में डाल के खा ले, पेट साफ हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें तेल डालूंगी, इसको जितना आपके पास ताकत हो उतने ताकत लगा के आटे को गूंथ लें। चुटकी बजाते बजाते हुए तो आटा नहीं गूंथाया, आपका पसीना निकल रहा है। पसीना नहीं, मैं दम निकल रहा है। तो ये देखिए आप लोग ये भरोसा मत कीजिए कि चुटकी बजाते हुए हो जाता है। मैदा का आटा थोड़ा गूंथने में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है भाई, गेहूं का आटा गूंथना बहुत ईजी हो जाता है, ये इतना टाइट है ना दिमाग खराब। मेरा आटा गूंथा गया, ऐसे सारे आटे को बेल लूंगी और जब जलेबी तल जाएगा तो साथ में इसको तल दूंगी कि दोनों गरम गरम रहे और खाने में मजा आए। तो मेरे बेलने पे ना जाए, अगर आपको ऊपर नीचे दिखता है तो इग्नोर करें। तो हमारा सब्जी रेडी हो गया है, तो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माय सब्जी। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, टेस्टी टेस्टी लग रहा है, खाकर बताऊंगा। और ये जलेबी का कार्यक्रम चालू हो गया है। तो दोस्तों इसके अंदर तेल डलाएगा, जलेबी बनाने में बहुत टाइम मेरा पोपट भी हो चुका है, कोई ठीक नहीं हो भी सकता मेरे साथ। तो ये देखिए ये कोन बन रहा है, जो हलवाई होते हैं तो उनके पास तो वो एक कपड़े का रहता है, तो हमारे पास वैसा तो कुछ है नहीं। क्यों, वैसा कॉटन के कपड़े से बना सकते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है संभालना। ऐसे करके आपको बांधना है। अभी इसको काट रहे हैं, छेद बनाया जा रहा है, बहुत पतला छेद होते हुए। तो मेरे सेब पे ना जाए, मैं कोई हलवाई नहीं हूँ कि तुम अच्छे से बनाओ। मैंने खाना में अच्छे होने चाहिए, बनने में अच्छे होने, सेब में क्या रखा है। ये भी ठीक ही लग रहा है, कुछ तो हो जा रहा है, इसको गिरते हुए फैल जा रहा है। सही तो हो रहा है, अब कैसे होता है? राउंड राउंड जैसा पहले जलेबी बनता था। ये सही है ना छुट्टू वाला। आपको जितना क्रंची डाल करके उसके बाद छाने तो बहुत क्रंची होगा खाने में। हम लोग एकदम लाल लाल क्रिस्पी जलेबी खाते हैं, तो देखिए उसी हिसाब से एकदम लाल लाल क्रिस्पी जलेबी बनेगा। जब मेरे से लाल करके उसके बाद निकाली हो तो बहुत क्रिस्पी लगेगा खाने में। परफेक्ट यही जलेबी की तरह बना है। बाकी भी बनेगा, वो पहला दूसरा भाई जिसका हाथ बैठा रहता है ना वही अच्छे से बना। नहीं, पहला दूसरा ऐसे भी खराब होता है, उसके बाद तीसरी बार से बनना चालू हो जाता है।
ये लाल होने के बाद ये लाल पानी में डाल दें। पानी नहीं है वो, चाशनी है। हाँ तो भाई लोगों को पता है कि चाशनी इतना मेहनत से बनाया है। और इसको थोड़ा थोड़ा डुबा दें ताकि ये चाशनी को पी जाए। ये जो आपका जलेबी है ये चाशनी को बहुत पीता है, तो इसको ज़्यादा टाइम तक अंदर ना रखें, थोड़े टाइम के लिए रखें, फिर तुरंत बाहर निकाल के प्लेट में शिफ्ट कर दें। खिला के खा के तो देखो कितना क्रंची है। इधर से देखो, इधर से अभी खाओ तो समझ में आएगा। तो ये देखिए बनाते बनाते आप खा भी सकते हैं, तो मैं भी खा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बोला इसको ज़्यादा देर तक इसके चाशनी के अंदर ना रखें, नहीं तो ये सारा चाशनी खुद पी जाएगा, दूसरे जलेबी को नहीं देगा। निकाल के ऐसे शिफ्ट कर लें। जलेबी लग रहा है ना आपको? तो ये रहा हमारा जलेबी। जलेबी बन चुका है। शेप भले ही थोड़ा डिफरेंट हो बट टेस्ट अच्छा है। दोस्तों हमारा खाना बन गया है। अभी देखिए जलेबी कितना मस्त लग रहा है। सब्जी खा लिए। आयो क्या सब्जी कैसा? सब्जी बहुत अच्छा है। तो सब्जी बहुत जलेबी को वैसे जलेबी लग रहा है। जलेबी बहुत अच्छा है। सब्जी बोल रहा हूं जलेबी तो जलेबी क्रिस्पी बना अच्छा बना। शेप पे मत जाइए, टेस्ट बहुत अच्छा बना जलेबी का। क्रिस्पी एकदम जैसा चाहिए वैसा। और सब्जी भी माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा बना। हलवाई जैसा है। हलवाई के हम बाहर खाते खाए हैं कहीं का है। तो जलेबी बहुत क्रिस्पी बना है ना। नहीं टीवी कम करो। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। सब्जी बहुत अच्छा बना, बिल्कुल होटल जैसा है ना। मुझे अगर आप गया साइड में कभी गए होंगे तो वहाँ आपका ब्रेकफास्ट होता है ये सब्जी कचौरी और जलेबी। मतलब बाहर ढाबा भी होता है ना, तो वहाँ पे इस टाइप का ब्रेकफास्ट मिलता है। तो दोस्तों हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का कुकिंग ब्लॉग। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा जलेबी कचौरी और सब्जी? सब्जी का रेसिपी जरूर ट्राई करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जलेबी भी बहुत अच्छा था, सब्जी भी बहुत अच्छा था और कचौरी भी बहुत अच्छा था। बस जलेबी का शेप थोड़ा अलग था। हाँ, जलेबी का जलेबी ऐसे भी टेढ़ा मेरा रहता है, मेरा भी जलेबी टेढ़ा मेरा, तो कोई डिफरेंस ऐसा है नहीं। एनीवे तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। तो मैं सोची आप लोगों को गुड बाय कर दूँ। फास्टिंग भी है मैडम का, आप देख सकते हैं कितना ठंडी लग रहा है। अवार्ड अवार्ड मैं फास्टिंग के लिए अवार्ड करी। अवार्ड अवार्ड मैडम को ठंडी कितना लग रहा है देख रहे हैं शंकर जी। अवार्ड अवार्ड यहाँ पे अचानक से बहुत बारिश हो रहा है तो इसके लिए थोड़ा ठंडी पड़ गया है। एनीवे चलिए आओ, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कुकिंग ब्लॉग पसंद आया होगा। जलेबी और सब्जी बहुत टेस्टी लगा होगा। सब्जी बहुत टेस्टी, रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी ट्राई कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस टाइप का ब्लॉग हम आप देख सकें। और हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिनचर्या के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।